हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। और फाइनली जिसका आपको काफी समय से डिमांड था, आज मैं आपको अंडर द डोम सीरीज का सीजन 3 एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने इसके पहले सीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो ये वीडियो यहीं पॉज करके इसके पिछले पार्ट्स को जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अज्यूमिंग कि आपने इसका पिछला पार्ट्स देख लिया है, चलिए रिकैप करते सीजन 1 और सीजन 2 के एंडिंग से। सीजन 1 में चेस्टर्स मिल टाउन में हमने देखा कि एक रहस्य और विशाल डोम में कैद हो जाता है, जिसके कारण वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है और लोगों में धीरे धीरे डर फैलने लगता है। आगे रिवील होता है कि ये सब एक ब्लैक एग के कारण हो रहा है, जिससे एंजी, जोई, नोरी, जेम्स और जूलिया मिस्टीरियसली कनेक्टेड है। और खास करके उस एग में अजीब शक्ति है जो इंसान को हिप्नोटाइज, किसी भी इंसान का रूप, उनसे कम्युनिकेट और आगे होने वाली भविष्यवाणी विजन्स में दिखाने की शक्ति रखती है, जिसका सबसे पहला क्लू जूलिया को अनुभव होता है जब एग उसे बताने की कोशिश करता है कि पीटर नहीं रहा। वहीं ब्लैक एग किसी कारण से इंसानों को मरता नहीं देख सकता, इसलिए जरूरत के वक्त मदद करता है। जैसे उस पल बारिश होने लगती है जब टाउन के लोगों को पानी की जरूरत पड़ती है। डोम को घेरे मिलिट्री किसी कारण से टाउन के लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते दिखाई नहीं देते। इनफैक्ट उन्हें कुछ तो ट्रिगर करता है कि वो डोम को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसका मैसेज रेवरेंट और जूलिया लकीली कैच कर लेती है। पर डोम यहाँ भी इंसानों को एक्सप्लोजन को झेलकर बचा लेता है। वहीं जब नोरी की मॉम मरने के कगार पर होती है तो वो ब्लैक एग अचानक से ग्लो करने लगता है। हालांकि उनकी जान नहीं बचती, पर उसी समय एग का ग्लो करना क्या साइन था ये आगे रिवील होगा। आगे एक प्रेग्नेंट वुमन को अपना पति नजर आता है, ऑल्दो वो डोम के बाहर होना था, जिसे छूते ही एक स्पार्क के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। आखिर कौन था वो, और उस प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी समय काफी टाइम बाद था, तो उसके टच करते ही उनकी डिलीवरी डेट कैसे बदल गई? क्या वो बच्चा भी स्पेशल है? सबसे बड़ा प्लॉट सीजन के एंड में रिवील होता है कि जेम्स की मॉम की एक्सीडेंट से जान नहीं, बल्कि उन्होंने ब्लैक एग के पागलपन में आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्होंने पहले ही डोम की भविष्यवाणी किसी तरह से देख ली थी और लोगों को उन्हें वार्न करने की कोशिश भी की थी, पर उसके पति ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। सीजन के एंड में छोटे डोम के फटने के बाद जूलिया मोनार्क साबित होती है और अंधेरे में छाया टाउन और ब्लैक एग को प्रोटेक्ट करने के लिए जूलिया उस एग को लेक में डुबो देती है, जिसके तुरंत बाद पूरा टाउन पिंक स्टार्स में छा जाता है और डार्कनेस गायब होने लगता है। पर वही खुद को सबका मसीहा साबित करने के पीछे जिम अपने रास्ते का काटा बार्बी को हटाने के लिए उसे एग्जीक्यूट करने पड़ता है और सीजन 1 यहीं एंड हो जाता है। सीजन 2 में रिवील हुआ कि जैसे ही जूलिया ब्लैक एग को छिपाने के इरादे से झील में डुबो देती है, उसी पल कोई मिस्टीरियस अननोन लड़की डूबते नजर आती है, जिसके बारे में आगे रिवील होता है कि ये वही है जिसके हाथ सबसे पहले वो एग 25 साल पहले लगा था, जब वो अपने बॉयफ्रेंड सैम और दोस्त पॉलिन और लाइल के साथ जंगल के बीच क्रैश मीटर डिस्कवर किया। उसे आगे याद आता है कि उस घटना के दौरान वो एग की शक्ति में हिप्नोटाइज उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर बाकी सभी एग से निकल रहे तेज आवाज से परेशान गलती से लाइल ने उसे धक्का दे दिया, जो क्रेटर में गिरकर उस मीटियोर से टकराकर उस एग के साथ वो जगह उसकी समाधि बन गई, जिसके तुरंत बाद तीनों ने उस घटना को सीक्रेट बनाए रखने का तय किया। पर इससे ये क्लियर हो जाता है कि नोरी, जो, जेम्स और एंजी के अलावा ये चार भी एग से जुड़े हैं और मेलिनी का पुनर्जन्म किसी खास कारण से हुआ। पर उस घटना के बाद एग के कारण पॉलिन को आगे होने वाले विजन्स दिखाई देने लगे। उन्हें लगने लगा कि डोम उनके पीछे है, इसीलिए अपने बेटे की फिकर में उन्होंने टाउन छोड़ने का तय किया और मरने का मन घड़न कहानी बनाई, ताकि जिम उसकी तलाश में पीछा ना करे, क्योंकि वो उसके विजन्स पर यकीन नहीं करता था और उसे पागलखाने भेजने वाला था। पर पॉलिन का भाई सैम के सिर पर अलग ही एग का भूत सवार था। पॉलिन के जर्नल से उसे आगे होने वाले सारे आपदा के बारे में समझ गया था, इसीलिए उसने डोम से कनेक्टेड लोगों को खत्म करने का तय किया। इसलिए सबसे पहले वो एंजी को अपना शिकार बनाया, जिसके ठीक बाद स्कूल के नीचे एक सीक्रेट गुफा का प्लॉट रिवील हुआ, जिसमें अनजाने में बार्बी और सैम के गिर जाने के कारण ये रिवील हुआ कि ये एक वॉर्म होल है जो बार्बी के टाउन जेनिथ से कनेक्टेड है। सीरीज के आगे के हिस्से में ऑडियंस को रिवील होता है कि बार्बी के डैड एक्टियन एनर्जी के लिए काम करते हैं, जो गवर्नमेंट से छिपकर उस एग की तलाश में है। वहीं डोम के अनजान पावर के मदद से
बार्बी को समझ में आता है कि रियलिटी में मेलेनी उसकी स्टेप सिस्टर है। क्यू की बार्बी के डैड की मेलेनी के मॉम लॉरा के साथ रिश्ता था, जिसके टूटने पर वो जेनिथ छोड़कर चेस्टर्स मिल सेटल हो गई। आगे अपने बाकी बचे विजन्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने पर पॉलिन को चेस्टर्स मिल लौटने का एक सीक्रेट डोर का पता चलता है, जिसके मदद से वो सभी चेस्टर्स मिल लौट आते हैं, जहां फाइनली जेम्स और पॉलिन का मिलन होता है। पर रखवाला बनने के इरादे में जिम डॉन के लोगों से सेफ एग्जिट के बदले में एक का सौदा कर बैठता है, पर उसे क्या खबर था कि एक के जाने से वो जेनिथ से कनेक्टेड वर्म होल भी कोलैप्स हो जाएगा और मेलेनी की जान जाने लगेगी, क्योंकि किसी कारण से उसकी जान उस एग में बसी थी। आगे पॉलिन के और भी विजन सच साबित होते हैं, जिसके अनुसार वो खुद लाइल के साथ एग के भेंट चढ़ जाते हैं मेलेनी को बचाने के चक्कर में। पर अंत में कोई शक्ति मेलेनी को जमीन के नीचे खींच लेती है। वहीं मरने से पहले पॉलिन जूलिया से एक आखिरी विजन शेयर की वही चोजन वन है और उसके अलावा एक और है जो उसे खुद भी ये बात अभी तक पता नहीं। पर टाउन के लोगों की मुश्किलें कम नहीं होती, क्योंकि एक से निकल रही अनजान एनर्जी के कारण टाउन में अजीब तरह की आपदा छाने लगती है, जैसे डोम में मैग्नेटिज्म जनरेट होना, अचानक से कैटरपिलर और मोनार्क बटरफ्लाइज की संख्या बढ़ने लगना, भयंकर ठंड और गड़कती बिजली के साथ भूकंप के झटके भी महसूस होने लगता है, और आखिर में डोम धीरे धीरे सिकुड़ने लगा था। आखिर में उनके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो सभी डोम से एग्जिट के तलाश में उसी खाई में उतरने लगते हैं। पर भूकंप के झटके से एक क्रेटर बन जाने के कारण जेम्स जूलिया के साथ पीछे फंस जाती है और बार्बी को उन्हें वहीं छोड़कर टाउन के लोगों की चिंता में आगे बढ़ना पड़ता है, जहां आगे उन्हें अजीब पर अद्भुत लाखों में मोनार्क बटरफ्लाइज नजर आती है, जिसमें से एक किसी पत्थर पर बैठ जाती है। बार्बी जैसे ही उस पत्थर पर अपना हाथ रखता है, वो दीवार खसकने लगती है, जिसके पीछे उन्हें चमत्कार तरह से मेलेनी दिखाई देती है और वो उनका अपनी न्यू दुनिया में स्वागत करती है, और सीजन 2 यहीं एंड हो जाता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सीजन 3 की कहानी से। अब उनके पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि गुफा ढहने के कगार पर होती है, इसलिए सभी मेलेनी की बात मानते हुए एक साथ उस न्यू दुनिया में एंटर करते हैं। पर एंटर करते ही बार्बी खुद को अकेला पाता है और उसे ग्लू लाइक पदार्थ अपने हाथों पर महसूस होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझे, मिराकुलसली सभी एक साथ डोम के ठीक बाहर प्रकट हो जाते हैं, पर मेलेनी अब भी गायब होती है। लकीली इस सारी मुसीबत की जड़ डोम एक लाउड स्कॉचिंग आवाज के बाद सतह से लाखों में पिंक स्टार शूट होने लगते हैं और डोम से टकराते ही वो डोम पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। अब बार्बी सबसे पहले जूलिया के लिए भागता है, पर जिम और जेम्स के साथ जूलिया भी उस एक्सप्लोजन के कारण चल बसती है और वो सीन वही कट होकर कई साल आगे मुड़ जाती है, जब बार्बी और सरप्राइजिंगली हंटर उसके साथ मिलिट्री में ज्वाइन हो जाते हैं। अपने मिशन में एक टारगेट को ढेर करने के बाद एक न्यू कैरेक्टर ईवा की एंट्री होती है, जो बार्बी की न्यू गर्लफ्रेंड है। पर चाहे कितने ही साल क्यों ना बीत गए हो, बार्बी को अब भी वो घटना हॉन्ट करती है, इसीलिए वो मेमोरियल डे के लिए चेस्टर्स मिल जाने से अवॉइड करता है। पर जो के बार बार रिमाइंडर मैसेज से वो आखिर में तैयार हो जाता है। पर अब ऑडियंस को एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर एक्टियन एनर्जी और मिलिट्री के लोग जो डोम को घेरे बाहर तैनात थे, वो कहां गए जब सब लोग चमत्कार कारण से डोम से बाहर निकले? उस एक का एक्टियन एनर्जी ने आखिर क्या किया? ये सब कुछ देर में रिवील होगा। पर सीजन 3 में अब पहला ट्विस्ट आता है। क्यू की सरप्राइजिंगली जूलिया और जेम्स अब भी जिंदा उसी गुफा में ट्रैप नजर आते हैं। जिम खुद भी जेम्स के शूट करने के बावजूद सर्वाइव कर जाता है। दोनों कैसे तो सीढ़ी के मदद से खाई पार करने की कोशिश करते हैं, पर अब तक जो मोनार्क बटरफ्लाइज मासूम नजर आ रहे थे, वो अचानक से उन पर हमला करने लगते हैं। दोनों कैसे तो उनसे बचकर खाई को पार कर लेते हैं, पर जूलिया पीछे अटक जाती है, क्योंकि वही मोनार्क बटरफ्लाइज रास्ता पर पहरा दिए होते हैं। वही मोनार्क बटरफ्लाइज के अटैक के कारण जेम्स होश खो बैठता है। अब इस तरफ बार्बी हंटर और ईवा के साथ चेस्टर्स मिल टाउन पहुंचता है, जिनके श्रद्धांजलि में स्मारक पर अन्य के अलावा जूलिया, जिम और जेम्स का भी नाम गढ़ा होता है, और टाउन के लोगों को देखकर समझ आता है कि अब वो मूव ऑन हो गए हैं और फाइनली हर तरफ जैसे खुशहाली महसूस होती है। बार्बी की मुलाकात जो और उसके फ्रेंड बेन से भी होती है, पर तभी सिर्फ बार्बी और बेन को थोड़ी देर के लिए मेलेनी नजर आती है और वो तुरंत गायब भी हो जाती है, जिस पर दोनों भी शॉक नजर आते हैं। तब बेन बार्बी से टाउन में हो रहे सारे अजीब घटना शेयर करता है कि कई दिनों से उसे महसूस हो रहा है कि ये रियल लाइफ नहीं है, क्योंकि उसे पहले अस्थमा की बीमारी थी, पर डोम के इंसिडेंट के बाद से उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। उनके अंकल जो ड्रिंक किया करते थे, उन्हें भी अब ड्रिंक की प्रॉब्लम नहीं है। टाउन के लोग एक नॉर्मल के लिए कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। इतना कम नहीं कि कई बार उसने टाउन में कुछ लोगों को मल्टीपल जगह
एक साथ इन डिफरेंट प्रोफाइल में देखा और वो सीन वहीं कट होकर हमें मेलिनी किसी अजीब जगह एक अजीब मैजिकल लाइक स्क्रीन से बार्बी और बेन पर नजर बनाए रखी दिखाई देती है। आखिर मेलिनी है कौन सी दुनिया में, हमें एपिसोड के एंड में पता चलेगा। टाउन के लोगों की तरह नॉरी भी मूव ऑन करके अपनी न्यू जिंदगी की शुरुआत करती है, पर जो अब भी अपनी बहन को खोने के सदमे से उभरा नहीं होता, इसीलिए नॉरी और जो के रिलेशन में कड़वाहट पैदा होने लगती है, क्योंकि जो के हिसाब से वो कुछ ज्यादा ही बदल गई है और इतने आसानी से अपने मॉम को खोने के गम को भूल गई। अब सीजन में हमें एक न्यू कैरेक्टर एक ट्रॉमा थेरेपिस्ट क्रिस्टीन नजर आती है, जो टाउन को सदमे से उबारने के लिए भेजी गई होती है। उसका मिशन जैसे टाउन के हर लोगों को सदमे से उबारना है, इसीलिए सिंस जोई अब भी नहीं उबरा होता, वो उसे सलाह देता है कि एक ही तरीका है वो अपने पास को भूल सकता है, जब वो फेस टू फेस सैम से मिलने पर अपने अंदर छिपाए सारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे और हो सके तो उसे माफ भी, क्योंकि उसने जो भी किया था वो एक तरह से सबके भले के लिए ही था। वहीं सैम को एनजी की हत्या में अरेस्ट कर लिया जाता है, जो जेल में अपने किए के पछतावे में समय काट रहा होता है। मेमोरियल फंक्शन के दौरान बार्बी को बेन का मैसेज मिलता है कि उसके पास ठोस सबूत है कि टाउन में सच में कुछ गड़बड़ चल रहा है, और तभी सीन फिर से कट होकर मेलिनी की तरफ मुड़ जाती है, जिसके ठीक बाद अचानक से बेन का दम घुटने लगता है और अंत में उसकी जान चली जाती है, जिसे देखने के बाद क्रिस्टीन भी हैरान नजर आती है। और इस तरफ हमें मेलिनी बेन का गला घुटते नजर आती है, यानी कि उसका यहाँ पे उसका गला घुटना उस दुनिया से किसी तरह कनेक्टेड है। अब मेलिनी को जेम्स बेहोश मिलता है, पर वो उसे अपनी मीठी बातों में फुसला कर उसे भी अपने वर्ल्ड में ट्रैप कर देती है। वो चीखता रहता है पर वो किसी अजीब ग्लू लाइक पदार्थ में धंसता चला जाता है। यहाँ जूलिया कैसे तो मोनार्क बटरफ्लाइज को चकमा देकर आगे निकल आती है और उससे पहली बार कोई अजीब ही दुनिया नजर आती है। कई सारे ककून लाइक स्ट्रक्चर में बार्बी के अलावा अन्य लोग भी कैद दिखाई देते हैं। वो उन्हें छुड़ाने बढ़ती है पर वो ककून जैसे जिंदा उनके तेज कांटे उसे छूने नहीं देते। सबसे अजीब बात की उनमें से एक ककून सबसे अलग और विशाल होता है, जो बाकी सभी ककून से कनेक्टेड दिखाई देता है। पर इस तरफ बेन के अजीब तरह से मरने की घटना के बाद बार्बी का शक भी बढ़ने लगता है, खास करके उसे बेन के फोन में वही सबूत मिलता है कि टाउन में ऐसे कई लोग हैं जो डिफरेंट प्रोफाइल में और डिफरेंट लोकेशन पर नजर आ रहे हैं। पर जब वो उन्हें पीसी पर कॉपी करके इन्वेस्टिगेट करने बढ़ता है, वो फाइल तुरंत करप्ट हो जाती है और उसके तुरंत बाद बार्बी की मुलाकात जेम्स से होती है, जो उसके लिए शॉक से कम नहीं होता, क्योंकि उसे याद है कि उसने जेम्स को मरा देखा था और एक और प्रूफ कि उसने उसका नाम भी स्मारक पर छपा देखा था। कंफर्म करने के लिए जब वो इस बार स्मारक को फिर से चेक करता है तो इस बार उसका नाम गायब होता है। उसे और शॉक तब लगता है जब वही टेररिस्ट उसे अलग रूप में टाउन में नजर आता है, जिसे उसने अपने मिशन में मार गिराया था। पर इससे पहले कि वो आगे और इन्वेस्टिगेशन करे, उसे खबर मिलती है कि ईवा उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। यहाँ जूलिया इवेंचुअली मेलिनी से मिलती है, जिसे कोई खबर नहीं कि मेलिनी का इरादा क्या है। वो उसे भी गुमराह करने में सफल हो जाती है कि जेम्स ने उसे इस ककून से छुड़ाया और अब वो खुद इनमें कैद हो गया। उन्हें कैसी भी वो एग पाना होगा, क्योंकि वही उसकी जान का सोर्स है। ब्लाइंड जूलिया अब भी इस गैर विश्वास में कि वही मोनार्क है, वो मेलिनी से डोम के दीवार पर डॉन के लिए संदेश छोड़ती है और अब एक्टियन एनर्जी कंपनी का मालिक और एग के अस्तित्व का सीक्रेट रिवील होता है। और ये एपिसोड यही एंड हो जाती है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। मैंने तो आपको एंटरटेन करने में सफल रहा, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में बहुत पसंद आई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब या मेरे चैनल का मेंबर बनकर मुझे सपोर्ट जरूर दिखा सकते हैं। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 के वीडियो पर।